हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका वंस स्मार्ट क्लासेस जयपुर में। मैं हूं सीएमए महेंद्र सैनी और हमारी ये पास्ट ईयर के पेपर्स की एक सीरीज चल रही है, उसी के क्रम में हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं सीएमए इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 8 का एक कॉस्ट अकाउंटिंग का। जून 2018 का हम पेपर लेकर आए जिसको आज सोल्व करेंगे अपन, राइट। तो ऑब्जेक्टिव टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स और मैचिंग वाले अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो, जून 2018 कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर नंबर 8। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के फर्स्ट क्वेश्चन आपके, इसमें उसमें से चूज करना आपको बेस्ट ऑप्शन नंबर 1। बेच कॉस्टिंग इज सूटेबल फॉर, आपसे पूछा है कि बेच कॉस्टिंग कौन सी इंडस्ट्री में सूटेबल है या फिर कौन सी इंडस्ट्री में अडोप्ट करते हैं बेच कॉस्टिंग को। इस चार ऑप्शन में से आपको बेस्ट आंसर देना है। ऑयल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होती है, क्योंकि ऑयल जो होती है कई प्रोसेस से होकर गुजरता है, तो यहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होती है। तो ये तो आंसर होगा ही नहीं आपका, पूछा क्या है उन्होंने, बेच कॉस्टिंग पूछा है। शुगर इंडस्ट्री, ये भी कई प्रोसेस से होकर गुजरती है, तो शुगर इंडस्ट्री कौन सी है, प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होती है। इसी प्रकार केमिकल इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री यूज होती है, वो भी आपका प्रोसेस से होकर कहीं गुजरता है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होती है। अब बात बची है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बोले तो जो ड्रग इंडस्ट्रीज होती है, जो दवाइयाँ जो कंपनी बनाती है, वो बैचेज में अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है बैचेज में, राइट। तो वहाँ पर कौन सी कॉस्टिंग यूज होती है, बैच कॉस्टिंग, तो बैच कॉस्टिंग यहाँ पर यूज होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बैच कॉस्टिंग, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यहाँ पे बैच कॉस्टिंग यूज होती है। बाकी ऊपर की तीनों इंडस्ट्री में कौन सी कॉस्टिंग होती है, प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट, आइडल टाइम इज, आइडल टाइम क्या होता है, जब कोई लेबर अब काम नहीं करती है, थाली बैठी रहती है, राइट, या पर प्रोडक्टिविटी नहीं निकल रही है, तो वो ऑफ वर्क होता है, और उस ऑफ वर्क का जो टाइम होता है वो आइडल टाइम होता है। तो जैसे टाइम स्पेंड बाय वर्कर इन ऑफिस, ये भी नहीं है, टाइम स्पेंट बाय वर्कर इन फैक्ट्री, ये भी नहीं है, टाइम स्पेंट बाय वर्कर ऑफ देयर वर्क, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आइडल टाइम। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर हाउस एक्सपेंसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वेयर हाउस एक्सपेंसेस जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है, वेयर हाउस एक्सपेंसेस इज एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है वेयर हाउस एक्सपेंसेज, वेयर हाउस एक्सपेंसेज इन एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं है, क्योंकि वेयर हाउस प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है, एडमिशन ओवरहेड भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सेलिंग ओवरहेड भी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होएगा, क्योंकि जो वेयर हाउस होते हैं वहाँ से अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्ट को, तो वो कौन सा खर्चा हो जाएगा आपका, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है जी। फिर बात करते हैं, स्टैंडर्ड डील्स विद द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कॉस्टेज। तो यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ये क्वेश्चन आया, तो बोल रहा है कि भैया डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, ये पूछा आपने, चार ऑप्शन दिए। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 की बात करें तो ये कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज का होता है, किसका होता है, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज का, तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज। फिर बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 किससे होता है, ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट से रिलेटेड होता है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, राइट। ये तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आपका ये क्वेश्चन आया। अगर बात करूँ मैं आपके बुक की, देखो ये रहा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा बोला आपको, सबसे पहले तो इन्होंने बोला था 8, तो 8 किससे है, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी से, फिर 11 बोला इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड से बोला, किसका बोला 11, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का बोला, ठीक है। तो पूछा क्या आपसे, आपसे पूछा डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, तो डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन होता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 होता है आपका डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 होता है आपका रॉयल्टी और टेक्निकल नो हाउ, किसका होता है, रॉयल्टी एंड टेक्निकल नो हाउ, राइट। तो आपसे पूछा क्या है इन्होंने, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, ठीक है जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आपका, देखो, इन रिकंसलेशन स्टेटमेंट एक्सपेंसेस शोन ओनली इन कॉस्ट अकाउंट्स आर,
जब अपन रिकन्सिलेशन करते हैं कॉस्टिंग का और फाइनेंशियल अकाउंट्स का, तो इन्होंने बोला कि अगर कोई एक्सपेंसेस कॉस्ट अकाउंटेंट्स में शो किए हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या फिर फाइनेंशियल प्रॉफिट में उसको लेस करेंगे फिर ऐड करेंगे, तो हम उसमें क्या करते हैं उल्टा ऐड लेस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, डिडक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉफिट। नेक्स्ट, इन अ जॉब कॉस्ट सिस्टम कॉस्ट आर अक्यूमुलेटेड। जॉब अकाउंटिंग या फिर जॉब कॉस्टिंग में क्या करते हैं अपन, अपन को एक स्पेसिफिक ऑफर मिलता है या फिर अपन को एक ऑर्डर मिलता है, उसके अकॉर्डिंग अपन जॉब कॉस्टिंग वहाँ पे निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाई स्पेसिफिक जॉब अपन क्या करते हैं कॉस्ट को अक्यूमुलेटेड करते हैं, ठीक है। क्योंकि जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है अपन का जो कस्टमर से जो भी मिलता है अपन को ऑर्डर मिलता है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं जॉब मिल जाता है अपन को, जॉब के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं कॉस्ट को असर्टेन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब अ फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के बारे में आपको ये चार ऑप्शन दिए, कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है वो ऑप्शन आपको चूज करना है, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट एक तो क्या होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी क्या होती है फिक्स रहती है, प्रोडक्शन से कोई चेंज नहीं होती है, किसी अदर रीजन से चेंज हो सकती है लेकिन प्रोडक्शन एक्टिविटी से वो चेंज नहीं होती है, ध्यान रखना। फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी से कभी चेंज नहीं होती, चाहे एक क्वांटिटी का प्रोडक्शन करो चाहे हज़ार क्वांटिटी का प्रोडक्शन करो, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगी। अगर चेंज होएगी तो प्रोडक्शन के अलावा चेंज हो सकती है किसी और अदर रीजन से, तो ऑप्शन क्या है, इट में चेंज इन टोटल वेयर सच चेंज इज अनरिलेटेड टू चेंजेज इन प्रोडक्शन। तो इन्होंने बोला कि ये हमेशा क्या रहेगी, टोटल रहेगी, हमेशा अनचेंज रहेगी, अगर चेंज होती है तो प्रोडक्शन के अलावा किसी और रीजन से चेंज हो सकती है, तो आंसर क्या रहेगा आपका ए ही आपका बेस्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, जेड लिमिटेड इज प्लानिंग टू सेल 1 लाख यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट ₹12 पर यूनिट। तो ये सेल्स होगी आपकी कितनी, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 1 लाख यूनिट है, ₹12 के हिसाब से वो सेल करता है, तो 12 लाख क्या होगी आपकी सेलिंग प्राइस। द फिक्स कॉस्ट आर ₹2,80,000 फिक्स कॉस्ट दे दी आपको, ऑर्डर टू रियलाइज ए प्रॉफिट ₹2 लाख, ये प्रॉफिट हो गया आपका। व्हाट वुड बी द वेरिएबल कॉस्ट, सिंपल क्वेश्चन है, आपसे वेरिएबल कॉस्ट पूछा है, तो मैंने कल भी बताया था जब अपने एक क्वेश्चन सोल्व किया था इस स्टेटमेंट का, मैंने मार्जिनल कम की एक इक्वेशन स्टेटमेंट बना लेना आप, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या जाएगा आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट क्या जाएगा आपका प्रॉफिट, इनमें से जो वैल्यू आपको दे रखी है वो पुट कर दो। प्रॉफिट आपको दे रखा देखो ₹2 लाख का, राइट। इसके अलावा आपको क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे सेल्स भी दे रखी है ₹12 लाख की, इसके अलावा आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा फिक्स कॉस्ट दे रखी है ₹2,80,000 की, तो देखो ₹2,80,000 माइनस करते हैं अपन तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकल जाएगा, दोनों को ऐड कर दो राइट, तो 4,80,000, तो 4,80 में से 2,80 घटाओ तो 2 लाख आ गया। वैसे वेरिएबल कॉस्ट क्या कर दोगे, वेरिएबल कॉस्ट कितना कितनी आएगी, 7,20,000, क्यों, क्योंकि 12 लाख में से 4,80 माइनस कर दो 7,20,000, या फिर 12 लाख में से 7,20,000 माइनस करोगे तो 4,80,000, तो वेरिएबल कॉस्ट ही आपसे पूछा है क्वेश्चन में, तो 7,20,000 ऑप्शन नंबर बी आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा, 7,20,000। नेक्स्ट, सेल्स बजट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सेल्स बजट क्या होता है, एक फंक्शनल बजट होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका फंक्शनल बजट, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैच करना है, ये क्वेश्चन है और इधर से आपको आंसर ऑप्शन दे रखे, यहाँ से आपको मैच करना है। इंपुटेड कॉस्ट क्या होती है दोस्तों, इंपुटेड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो दिखती तो है कि कॉस्ट लगी है लेकिन वो नोशनल होती है, वो उसमें केस का अमाउंट होता ही नहीं है, केस इन्वॉल्व होता ही नहीं है राइट। जैसे आपकी कोई खुद की बिल्डिंग है उसको आपने किस में यूज कर लिया, आपकी फैक्ट्री में यूज कर लिया, आपके ऑफिस में यूज कर लिया, आपकी कंपनी में यूज कर लिया, तो अब उसको अपने आप को तो आप किराया दोगे नहीं तो वो केस तो मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी कॉस्ट लग रही, कॉस्ट कैलकुलेट करोगे दैट इज कॉल्ड इंपुटेड कॉस्ट। तो इसमें केस इन्वॉल्व होता ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉट इन्वॉल्विंग कैश आउटले, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए का ऑप्शन नंबर एफ, क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर एफ, देखो एफ हो इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। फिर आता है एफएसएन एनालिसिस, फास्ट स्लो और नॉर्मल, अपन ने देखा था कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक्स है ये, तो क्या आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। फिर है कैप्टिव पावर प्लांट एक्सपेंसेज, कैप्टिव पावर प्लांट एक्सपेंसेज ये क्या होता है आपका, ये कैप्टिव पावर प्लांट एक्सपेंसेज, प्लांट एक्सपेंसेज, प्लांट का जो एक्सपेंसेज है वो कौन से खर्चे होंगे ये आपको देखना, ये हो जाएगा आपका ट्रेटेड एज अ फैक्ट्री एक्सपेंसेज, तो सी का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी, क्योंकि ये फैक्ट्री एक्सपेंसेज है। एबनॉर्मल लॉस इज ट्रांसफर टू पी एंड एल, कॉस्टिंग के पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा सी। और आता है वेरियंस एनालिसिस,
वेरिएंस एनालिसिस अपन क्यों करते हैं, क्यों करते हैं वेरिएंस एनालिसिस, मैनेजमेंट इसको डिसीजन लेने के लिए करते हैं, तो वेरिएंस एनालिसिस मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इसका जी आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट अप्लाई टू ए जॉब इज यूजुअली बेस्ड ऑन ए प्री डिटरमाइंड रेट, ये जॉब कॉस्टिंग की बात कर रहा है, तो प्री डिटरमाइन होती है रेट अगर फैक्ट्री ओवरहेड करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, ये ट्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 डील विद द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ द डिटरमाइनिंग द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ एक्साइजेबल गुड्स, क्या कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 एक्साइजेबल गुड्स से रिलेटेड है क्या? नहीं, ये किससे रिलेटेड है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19? जॉइंट कॉस्ट से। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? फॉल्स, गलत है ये, ठीक है जी। फिर देखते हैं कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट मेक्स द कॉस्ट लेजर सेल्फ बैलेंसिंग, बिल्कुल जो कॉस्ट लेजर अकाउंट होता है, कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट होता है, वो कॉस्ट लेजर को सेल्फ बैलेंसिंग करता है, तो ट्रू हो गया ये। फिर आता है फीफो मेथड इज फॉलोड फॉर इवेल्यूशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन व्हेन प्राइसेस आर फ्लक्चुएटिंग, ये रॉन्ग है, ये फीफो मेथड यूज नहीं होता है यहाँ पे। और तो स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड बजट कॉस्ट आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेड, कतई नहीं। स्टैंडर्ड कॉस्ट तो एक साइंटिफिक तरीके से प्री डिटरमाइन करते हैं और बजट कॉस्ट अलग होता है, तो ये सेम नहीं है, तो इसको भी मैं फॉल्स बोलूँगा, दीज आर ऑल्सो फॉल्स। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, आपसे पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इज द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द एक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा आपसे इज द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द एक्शन सो एज टू कीप द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट विद इन द सेट पैरामीटर्स, तो ये कॉस्ट कंट्रोल होता है यहाँ पे, क्या कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द एक्शन एज टू कीप द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट विद सेट पैरामीटर्स, कॉस्ट कंट्रोल होता है। इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फिल इन द ब्लैंक इज एडेड टू इन्वेंट्री, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है दोस्तों, जहाँ पे टोटल कॉस्ट मेंशन होती है, टोटल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा, फिक्स कॉस्ट एडेड ऐड की जाती है इन्वेंट्री में, राइट। अब देखो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कितने क्वेश्चन आ गए आपके, बहुत ही 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर, तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 आपसे रिलेटेड करता है सर्विस ऑफ कॉस्ट सेंटर से, ठीक है। फिर बोला एट कंट्रीब्यूशन अवेलेबल इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आपके टोटल फिक्स कॉस्ट से इक्वल होता है, तो इसको क्या बोलते हैं आप, बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। द डॉक्यूमेंट विच डिस्क्राइब द बजटिंग ऑर्गेनाइजेशन बजटिंग प्रोसीजर इज नॉन, तो बजटिंग ऑर्गेनाइजेशन और बजटिंग प्रोसेस के लिए जो डॉक्यूमेंट होता है उसको बोलते हैं हम बजट मैनुअल, क्या बोलते हैं, बजट मैनुअल, ठीक है गाइस, बजट मैनुअल। तो ये आपके क्वेश्चन थे, इसमें आपका एमसीक्यू आ गया, आपका मैचिंग आ गया, ट्रू फॉल्स आ गया, और आपका फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, राइट। क्योंकि इन क्वेश्चंस को अगर आप पीछे के क्वेश्चंस जो पास्ट ईयर के पेपर्स करते हो तो आपके बहुत चीज़ें क्लियर भी होती है, और आपको बिल्कुल कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड भी कुछ चीज़ें मिल जाती है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग 13 कई बार आता है आपका, राइट। तो इनसे एक सीनियरी होता है और बिल्कुल करके जाना चाहिए आपको ये पिछले क्वेश्चन, तो एक कॉन्फिडेंस भी आता है और बहुत हेल्प करेगा आपको, ठीक है गाइस। तो ये सीरीज हमारी चलती रहती है, और भी जितने भी पेपर्स हैं उनके डेली हम सीरीज चलाते हैं और डेली हम वीडियो अपलोड करते हैं आपके। तो अगर आप भी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए है तो आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए वंस स्मार्ट क्लासेज जयपुर, ताकि जो ही हमने आप वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास आएंगे। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है, कोई और भी क्वेश्चंस है, पेपर है, तो उसको भी हम सॉल्व करवाएंगे, तो आप ज़रूर इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सो थैंक यू सो मच।